अस्सलाम वालेकुम, कैसे भी सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपने जुबान में रखे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी और यमी सी रेसिपी बनाने लगे। चिकन पॉपकॉर्न बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी, सबको, मेहमानों को, हर एक को बना के दे सकते हैं। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। ईजी तरीके से बताऊँगी और ईजी से बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले कॉमेंट्स में लिखा करें और वीडियो देखा भी करें। तो चले स्टार्ट करते हैं फिर। तो व्यूअर्स, इसके लिए हमें चिकन चाहिए, बोनलेस चाहिए। आप चाहे तो थाई के भी डाल सकते हैं, उसकी वो बोन निकाल के, लेकिन मैं इसकी वाली डाल रही हूँ, ठीक है? तो अब हम इसको कट करते हैं, ठीक है? चिकन काटने से पहले अपने हाथों को ऑयलिंग कर ले, उससे क्या होगा कि वो हाथों में से फिर ना स्मेल नहीं आती, ठीक है? तो व्यूअर्स, हम क्योंकि पॉपकॉर्न बना रहे हैं तो इसलिए ये देखें, पहले मैंने इस तरह से उसे स्ट्रैप्स में काटा, फिर ये देखें इतनी छोटी छोटी बोटी इसकी होनी है, क्योंकि जितना छोटा होगा ये उतना ही अच्छे बनेंगे, ठीक है? थोड़ा ही सीन हो तो डाल दें। तो बस ये हमारी कट हो गई, अब हम अगला काम करते हैं इसका। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें जो हमने यूज़ करना है वो मैं इसमें मिल्क डालूंगी, यानी कि दूध डालूंगी। तो इसका मैं बटर, मिल्क बटर बनाना है, तो उसके लिए मैं इसमें लेमन डाल के ना 30 मिनट्स के लिए रखूंगी। तो उससे फिर ये बहुत अच्छा सा जो है ना वो बन जाएगा। 30 मिनट्स के लिए इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, चिली पाउडर। आप चाहें तो इसमें पेपर का या फिर ब्लैक पाउडर, ब्लैक पेपर डाल सकते हैं अगर आप रेड नहीं यूज़ करते। सॉल्ट जितना आप खाते हैं उस हिसाब से, कहा ही नहीं मैंने कभी। सोया सॉस, चिली सॉस खाना है। व्यूअर्स, तो ये देखें कितना अच्छा सा ये बन गया है, बटर मिल्क जो है ये देखें। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे, और मैं इसमें एग नहीं डाल रही, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो एग भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैं नहीं इसमें डाल रही एग, एग भी डालते हैं वैसे, लेकिन अगर नहीं डालना चाहे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको जो है ना मैरिनेट करके ये 1 आवर के लिए इसको रखते हैं, तो फिर मिलते हैं 1 आवर के बाद। पहली बात इस एमडी का लिए। तो व्यूअर्स, अब हम उसका बनाते हैं जो उसकी कोटिंग लगानी है। तो उसके लिए देखिए, और पर्पल फ्लोर जो होता है वो है 1 कप, ठीक है? ये पहला उसका स्टेप है। फिर इसी में मैं ये देखें, ये 2 टेबलस्पून होंगे फुल भर के, ये कॉर्नस्टार्च यानी के कॉर्नफ्लोर जो होता है वो है, ठीक है? रेड चिली, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब ये ऑयल ले लिया मैंने, तो अब इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चले फिर आप स्टार्ट करते हैं उसको करना। तो इस तरह से हम इसमें सारे ये डालते रहेंगे ऐसे। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें करते जाते हैं इसको, ठीक है? साथ साथ ही बताती रहती हूँ। इस तरह से आप इसके अंदर से करते जाएं अच्छे से, ताकि वो हाथों से भी कर सकते हैं वैसे भी, क्योंकि हमने असल में उसके क्रम्स बनाने। तो व्यूअर्स, ये देखें इसके क्रम्स हो गए हैं, ये अच्छे से बन गया, लेकिन फिर भी ये देखें इधर, आप देखें ये देखें, इसे पानी में एक दफ़ा डिप करके फिर इसी के अंदर से हम फिर दोबारा इधर ही, तो फिर हम उसको जो है दोबारा से इसी में करेंगे। तो ये देखें उसके बाद, ये देखें, ये इसके बहुत अच्छे से ये देखें बन गया। तो बर्फ इस तरह से करके इसको रखते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये इस पॉइंट पे आप निकाल के इसको ठंडा करके तो सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, ताकि जब भी निकालें और गर्म करके बच्चों को दे सकते हैं। ये देखें, ये कलर यही होना चाहिए हमें तस्वीर। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मज़ेदार से बन गया, इसको अच्छा सा कैप्चर करना। व्यूअर्स, तो ये बन गया हमारे मज़ेदार से, ये देखें
पॉपकॉर्न कितने मज़ेदार से बने हैं, तो चले जल्दी से बनिए बहुत मज़ेदार से। तो चले हमने तो बना लिया, बाबी ऐसे बनाए खाएं खिलाएं। दुआ में याद रखें, जाने से पहले वही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले कमेंट्स में लिखा करें, तो वीडियो देखा करें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।